गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्लास्टिड्स। हम सेल ऑर्गेनेल्स को डिस्कस कर रहे थे। अब तक हमने क्या पढ़ लिया था? माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी एपरेटस के बारे में पढ़ लिया था। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो प्लास्टिड्स सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सेल्स में प्रेजेंट होता है। हमने देखा था कि दो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, दो टाइप की सेल्स होती हैं। तो जो प्लांट सेल होती हैं उनके अंदर प्लास्टिड पाया जाता है। किन में पाया जाता है प्लास्टिड? प्लास्टिड इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स एंड इन एनिमल सेल्स प्लास्टिड इज अब्सेंट। प्लास्टिड जो ऑर्गेनली होती है वो एनिमल सेल में अब्सेंट होती है। ये मेनली प्लांट सेल्स में ही पाई जाती है। अगर हम प्लास्टिड्स की स्ट्रक्चर की बात करें तो प्लास्टिड कुछ इस तरह का होता है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली होती है। और जैसे हमने बाकी ऑर्गेनलीज के बारे में पढ़ा था, तो उनमें से कौन कौन सी ऑर्गेनलीज थी जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड थी? एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। ये दोनों ऑर्गेनली जो हैं हमने क्या पढ़ा था? डबल मेम्ब्रेन बाउंड होती है। उसी तरह प्लास्टिड की भी दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। इसको हम क्या बोलेंगे? इनर मेम्ब्रेन। अगर हम प्लास्टिड के अंदर के स्ट्रक्चर की बात करें तो प्लास्टिड के अंदर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन के इनसाइड क्या प्रेजेंट होता है? मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। हमने किसी भी सेल में जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है उसको क्या बोला था? साइटोप्लाज्म बोला था। उसी तरह जो प्लास्टिड का मैट्रिक्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। प्लास्टिड के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। इस स्ट्रोमा के अंदर, प्लास्टिड के अंदर डीएनए भी प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं और कुछ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं स्ट्रोमा के अंदर। ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं एक दूसरे के साथ अटैच्ड होती हैं, स्टैक्ड होती हैं एक दूसरे के ऊपर। तो जो ये सिंगल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं? थायलाकोइड। क्या बोलेंगे इसको? हम बोलेंगे थायलाकोइड। और जब ये थायलाकोइड्स, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ स्टैक्ड हो जाती है, एक बंडल बना लेती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रैनम। मान लीजिए ये हमारी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो गई हैं, तो इन्होंने क्या बना लिया है? एक बंडल बना लिया है। तो इस बंडल को हम क्या बोलते हैं? ग्रैनम। और जो सिंगल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे थायलाकोइड। और जो हमारी प्लास्टिड होती है उसके स्ट्रोमा में बहुत सारे प्रेजेंट होंगे ग्रैनम, तो बहुत सारे ग्रैनम मिलके क्या बना लेते हैं? ग्रैना। बहुत सारे ग्रैनम को हम क्या बोलेंगे? ग्रैना बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रैना। और जो ये ग्रैना होते हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। ये किसकी हेल्प से अटैच्ड होते हैं? ये स्ट्रोमल लैमिले की हेल्प से अटैच्ड होते हैं। तो अगर हम प्लास्टिड की स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? प्लास्टिड जो है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती है। इसके मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? इसके मैट्रिक्स को हम स्ट्रोमा बोलते हैं। इसके मैट्रिक्स के अंदर जो है थायलाकोइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये थायलाकोइड्स क्या होते हैं? डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं। और जब ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो जाते हैं, एक बंडल बना लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रैनम। सिंगल बंडल को हम बोलते हैं ग्रैनम। और बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं क्योंकि इसके स्ट्रोमा में, उन सबको हम क्या बोलते हैं? ये मिलके क्या बनाते हैं? ग्रैना। ये ग्रैना एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। वो किसकी हेल्प से अटैच्ड होते हैं? लैमिला की हेल्प से अटैच्ड होते हैं। अभी हमने बात की कि प्लास्टिड के अंदर खुद का डीएनए भी प्रेजेंट होता है और राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो हमने और कौन सी ऑर्गेनली पढ़ी थी जिसके अंदर खुद का डीएनए प्रेजेंट था और राइबोसोम था? तो ऐसी ऑर्गेनली थी माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखना कौन कौन सी ऑर्गेनलीज है जिनके अंदर खुद का डीएनए और राइबोसोम प्रेजेंट होता है। एक माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेकंड वन इज प्लास्टिड। तो राइबोसोम खुद का प्रेजेंट है, इसकी वजह से ये खुद प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं। इसलिए हम इन ऑर्गेनलीज को क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनोमस। क्या बोलते हैं हम इनको? सेमी ऑटोनोमस बॉडीज, क्योंकि ये खुद से अपना प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये
हमारे प्लास्टिड के स्ट्रक्चर के बारे में था। अगर हम देखें प्लास्टिड जो है तीन टाइप के होते हैं, प्लास्टिड किसी सेल में जो है तीन टाइप के प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। अगर सबसे पहले हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन कलर्ड होता है, उसके अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है वो क्लोरोफिल पिगमेंट कंटेन करता है, जिसकी वजह से इसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। जैसे हमने प्लांट्स में लीव्स देखी हैं, उनका कैसा कलर होता है, हरे रंग की दिखाई देती है, वो ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, वो ग्रीन कलर क्लोरोफिल की वजह से होता है। ये क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिससे हमारा जो लीव्स का कलर है वो हमें ग्रीन दिखाई देता है। अब अगर हम इसके फंक्शन की, क्लोरोप्लास्ट क्यों होता है इसके फंक्शन की बात करें, तो इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और ये क्लोरोफिल जो है वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जैसे हमारी लीव्स हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो जो प्लांट्स होते हैं हमारे वो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से अपना फूड बनाते हैं। वो फूड कैसे बनाते हैं, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर लेते हैं। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है ये सनलाइट जो आती है उसकी हेल्प से इनको, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, फूड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्लोरोफिल किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। उसी तरह से सेकेंड टाइप क्या होता है प्लास्टिड्स का, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो इसका कोई कलर नहीं होता। ल्यूकोप्लास्ट जो है प्लास्टिड वो कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं, लेकिन अगर ये सेल में प्रेजेंट है तो इनका कुछ ना कुछ तो काम होता होगा। तो ये क्या काम करते हैं, ये स्टोर करके रखते हैं स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन के ग्रैन्यूल्स जो होते हैं उनको स्टोर करके रखते हैं, तो ये स्टोरेज में हेल्प करते हैं। तीसरे टाइप के प्लास्टिड्स कौन से होते हैं, क्रोमोप्लास्ट। तो अगर हम क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो ये इनके कलर, इनमें भी कुछ कलर होता है, वो कौन सा होता है, येलो और रेडिश कलर में होते हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दीज आर प्रेजेंट इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। सो स्टूडेंट दिस वॉज अबाउट द टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। अब अगर हम प्लास्टिड्स के फंक्शन की बात करें तो क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं प्लास्टिड्स, सबसे पहले देखते हैं ल्यूकोप्लास्ट स्टोर द रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ग्रेन्स और ऑयल ड्रॉपलेट्स। अभी हमने देखा था कि तीन टाइप के प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें से जो ल्यूकोप्लास्ट है वो क्या काम करता था, स्टोरेज का काम करता था। तो प्लास्टिड का एक फंक्शन क्या हो जाएगा, स्टोर द रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ग्रेन्स एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स। अगर हम सेकेंड फंक्शन की बात करें तो सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट आर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैंने अभी बताया कि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। तो सेकेंड फंक्शन हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट आर साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की वजह से प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। तो प्लास्टिड्स जो हैं फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। एंड द थर्ड फंक्शन ऑफ प्लास्टिड्स इज दैट क्रोमोप्लास्ट हेल्प इन पोलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। अभी हमने देखा था कि जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं, येलो या रेडिश कलर में पाए जाते हैं। तो ये किस में हेल्प करते हैं, ये कलरफुल होते हैं, इसलिए इंसेक्ट्स वगैरह को भी अट्रैक्ट करेंगे। तो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेंगे तो वो किस में हेल्प करते हैं, वो पोलिनेशन में हेल्प करेंगे। और जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो किसके, डिस्पर्जल में भी हेल्प करते हैं, सीड्स एंड फ्रूट्स के। सो स्टूडेंट्स दिस वॉज ऑल अबाउट द प्लास्टिड्स, लेट्स क्विकली समराइज ऑल दिस। प्लास्टिड्स क्या होते हैं, प्लास्टिड्स वो ऑर्गेनली है जो कहाँ पाई जाती है, प्लांट सेल में मिलती है, ये एनिमल सेल में अब्सेंट होती है। प्लास्टिड्स की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये डबल मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनली होती है, दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इसके मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा कहा जाता है। प्लास्टिड के मैट्रिक्स को, जो प्लास्टिड है वो कंटेन करते हैं अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स कंटेन करते हैं। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रोमा के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, सिंगल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, वो एक दूसरे के साथ स्टैक्ड होती हैं। जो सिंगल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं थायलाकोइड, और पूरे बंडल को हम बोलेंगे ग्रैनम। बहुत सारे जो सिंगल बंडल को हम बोलते हैं ग्रैनम, और
एक से ज़्यादा को हम क्या बोलेंगे, ग्रेना। ये ग्रेना जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं, किसकी हेल्प से, लैमिला की हेल्प से एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ प्लास्टिड की बात करें तो तीन टाइप के प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ग्रीन कलर के होते हैं क्योंकि इनके क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं और वो हेल्प करते हैं स्टोरेज में। किन किन को स्टोर करते हैं, जैसे कि ऑयल, स्टार्च हो गया, प्रोटीन ग्रैन्यूल्स हो गए, इनको स्टोरेज में हेल्प करते हैं। थर्ड टाइप का प्लास्टिड्स होते हैं क्रोमोप्लास्ट, ये येलो और रेडिश कलर के होते हैं और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फ्लावर्स में और फ्रूट्स में। अगर हम फंक्शंस देखें तो क्या क्या फंक्शंस है प्लास्टिड के, ल्यूकोप्लास्ट स्टोर द रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ग्रेन्स और ऑयल ड्रॉपलेट्स, एंड सेकेंड फंक्शन वॉज दैट क्लोरोप्लास्ट आर साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड क्रोमोप्लास्ट जो था वो क्या फंक्शन करता था, क्रोमोप्लास्ट हेल्प इन पोलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स।